सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं वो आप टाइटल एंड थंबनेल देखो तो समझ गए होंगे कि एफएम वाट्सअप के होम स्क्रीन के ऊपर अपना खुद का फोटो कैसे लगा सकते हैं। यहां पर देख सकते हो एफएम वाट्सअप के होम स्क्रीन के ऊपर मैं जो यहाँ पर फोटो एक लगा चुका हूँ। अगर आप भी अपने एफएम वाट्सअप के होम स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से फोटो अप्लाई करना चाहते हो तो बन रहे वीडियो में एंड तक। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चाहे पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो चले बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो है गाइस, तो आज को अपने मोबाइल के होम स्क्रीन के ऊपर और होम स्क्रीन के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है। अभी तक आप लोगों ने एफएम वाट्सअप को डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप वीडियो देखकर सो गाइस एफएम वाट्सअप डाउनलोड करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले आपको जो है एफएम वाट्सअप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कोई सा भी यहाँ पर फोटो अप्लाई नहीं हुआ है एफएम वाट्सअप को होम स्क्रीन के ऊपर, और आपको लाइव प्रूफ यहाँ पर फोटो अप्लाई करके दिखाऊंगा और अलग अलग थीम जो है अप्लाई करके दिखाऊंगा अपने एफएम वाट्सअप को होम स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस, आपको यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन एक मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एफएम मोड में चले जाना है। तो गाइस, एफएम मोड के सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा एक यूनिवर्सल का ऑप्शन, तो गाइस आपको इस पर क्लिक करना है। तो गाइस, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा फर्स्ट में कलर्स का आई जो है एक बटन, सिंपली आपको कलर्स वाला आइकन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा बैकग्राउंड का ऑप्शन, तो सिंपली आप बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से जो है फोटोज़ वाला ऑप्शन में आ जाना है। तो गाइस, यहाँ से अपना फोटो अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, आपने जो है फोटोज़ वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपली जो है अभी जो है मैं क्लिक करता हूँ। तो गाइस, फोटोज़ वाला ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से आपको गैलरी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है यहाँ से आप फोटो सेलेक्ट कर सकते हो, जो कौन सा आप फोटो जो है अपने एफएम वाट्सअप को होम स्क्रीन पर लगाना चाहते हो। तो बस यहाँ से जो है फोटो सेलेक्ट कर लिया। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा सेट जो है वॉलपेपर, तो सिंपली आपको सेट वॉलपेपर पे आपको क्लिक करना है। सेट वॉलपेपर पे क्लिक करके गाइस यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एफएम वाट्सअप के होम स्क्रीन के ऊपर जो है फोटो अप्लाई हो चुका है सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अगर आप अपने जो है फोटो अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से, थ्री डॉट पर क्लिक करके एफएम मोड में जाना है। उसके बाद जो है तो गाइस यहाँ से आपको यूनिवर्सल पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर कलर्स में, उसके बाद जो है बैकग्राउंड में यहाँ से आप जो है फोटो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप बताऊँगा गाइस अपने जो है थीम कैसे लगा सकते हो, यानी कि जो है थीम जो है जैसे कि यहाँ पे कलर्स वगैरह जो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। रेड करने के बाद जो है यहाँ पे आपको न्यू क्लाउड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपका जो बैकग्राउंड से फोटो हट जाएगा, यानी कि वॉलपेपर रेड जो है लग जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो रेड वॉलपेपर जो यहाँ पे लग चुका है और फोटो जो है हट चुका है। सो गाइस, यहाँ से फोटो भी अप्लाई कर सकते हो और बैकग्राउंड भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आपको मर्जी है। सो गाइस, वहाँ से आप रेड यानी कि और येलो कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, और उस वॉलपेपर को जो है आप हटाना चाहते हो तो फिर से आपको यूनिवर्सल पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है कलर्स वाला आइकन में आपको चले जाना है। सो गाइस, इस पर चले जाना है। उसके बाद जो है आपको बैकग्राउंड वाला आइकन में आपको क्लिक करना है। सो गाइस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करना है। सो गाइस, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस पर कलर सॉफ्ट कलर पर आपको चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेगा डिफॉल्ट का ऑप्शन, तो सिंपली आपको डिफॉल्ट वाले आइकन में क्लिक कर देना है। तो सो गाइस, यहाँ पर डिफॉल्ट करना है। डिफॉल्ट करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। सो गाइस, बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एकदम से नॉर्मल हो गया मेरा एफएम वाट्सअप का होम स्क्रीन। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करना, और जब पहले विजिट को तो सब्सक्राइब करना। तो सो गाइस, मिलता है अगले वीडियो में एक नए ट्रिक लेकर। तब तक के लिए बाय।